Please subscribe the channel and press the bell icon and don't forget like and share. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। दोस्तों आज हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों उसके पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल हमारा स्टडी में मैथ्स का बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक का कम्प्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों यदि आप भी मैथ्स का बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है दोस्तों, H2SO4 होता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में वेंट्रिकल पाया जाता है। क्या है दोस्तों, मानव शरीर में वेंट्रिकल पाया जाता है तो कहाँ पे पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है। मानव शरीर में वेंट्रिकल पाया जाता है कहाँ पे, हृदय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है। क्या है दोस्तों, शक्ति का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, जूल पर सेकेंड है। जो शक्ति की जो यूनिट है दोस्तों वो जूल पर सेकेंड होती है। क्या होती है, जूल पर सेकेंड होती है। अगला देखते हैं, चूना जल को दूधिया करने वाली गैस का क्या नाम है। दोस्तों चूना जल को दूधिया करने वाली गैस का क्या नाम है, तो उसका नाम है CO2। क्या होती है दोस्तों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चूना जल को दूधिया करने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, हेनरी होती है। क्या होती है, हेनरी होती है। क्या होती है इकाई, विद्युत प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हैगा सर्वाधिक बेसिक यौगिक है, सर्वाधिक बेसिक यौगिक है तो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है बेंजीन एमीन होता है। कौन सा होता है, बेंजीन एमीन होता है। अगला है दोस्तों, कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। अगला है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन यदि पूछा जाए आपसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन उदाहरण है, न्यूरॉन उदाहरण है, तो न्यूरॉन उदाहरण है किसका दोस्तों, तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन उदाहरण है, तंत्रिका ऊतक का है। अगला देखते हैं दोस्तों, मवेशियों में खुर रोग होता है, मवेशियों में जो खुर रोग होता है वह दोस्तों वह किसके कारण होता है, तो जो मवेशियों में खुर रोग होता है वह विषाणुओं के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणुओं के कारण होता है, विषाणुओं से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातु के ऑक्साइड होता है, धातु के ऑक्साइड जो होता है वो क्या क्या होता है, अम्लीय होता है। धातु के ऑक्साइड होता है जो अम्लीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो परमाणु की त्रिज्या होती है दोस्तों 10^-10 मीटर होती है। कितनी होती है, 10^-10 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10^-10 मीटर होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, तो दोस्तों किसका है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक किसका है, आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, लेजर के उपयोग से त्रि आयामी फोटो लेने की विधि को क्या कहते हैं।
लेजर के उपयोग से त्रिआयामी फोटो लेने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं हम? हेलोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेलोग्राफी बोलते हैं। लेजर के उपयोग से त्रिआयामी फोटो लेने की विधि को क्या बोलते हैं? हेलोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? टाइफाइड जो है वो जीवाणु से होता है। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने जीवाणु से होने वाले जितने भी जो जो रोग जीवाणुओं से होते हैं उन उनके नाम हमने और उनके डिटेल्स में पहले पहले वीडियो में हमने देख चुके हैं। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको वीडियो को जाके देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह होता है टाइफाइड होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, वयस्क मनुष्य के हृदय की स्पंदन प्रति मिनट दर क्या होती है? तो क्या है दोस्तों? वयस्क मनुष्य के हृदय की स्पंदन प्रति मिनट दर क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? वो 72 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 72 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर और जिंक मिश्रण है, किसका मिश्रण है दोस्तों? यदि आपसे पूछा जाए कि कॉपर और जिंक मिश्रण है, तो यदि कॉपर और जिंक मिश्रण है तो पीतल, क्या है दोस्तों उसका आंसर? पीतल है। ठीक है दोस्तों, कॉपर और जिंक का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं। कॉपर और जिंक का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पीतल होते हैं, पीतल बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, ध्वनि तरंगे तेज चलती हैं, आपसे यदि पूछा जाए कि ध्वनि तरंगे तेज चलती हैं तो किसमें चलती हैं? स्टील में तेज चलती हैं। किसमें तेज चलती हैं ध्वनि तरंगे? स्टील में तेज चलती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित है, तो किस पर आधारित है? तापमान पर आधारित होती है। जो आदर्श गैस होती है उसकी ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तापमान पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर सेल बने होते हैं, सौर सेल बने होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि सौर सेल किससे बने होते हैं तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सिलिकॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है तो उसकी इकाई क्या होती है? वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च तापमान मापा जाता है, जो उच्च तापमान होता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर जो होता है वो किससे नापते हैं? तो किससे नापते हैं? पायरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? पायरोमीटर से नापते हैं। उच्च तापमान किससे नापते हैं? पायरोमीटर से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उच्च स्रोत है, तो दोस्तों प्रोटीन का उच्च स्रोत क्या है? प्रोटीन हमें काय से ज़्यादा मिलता है? तो वह दालों से मिलता है। किससे मिलता है? दालों से मिलता है। प्रोटीन का उच्च स्रोत दालें हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रीस्टले ने की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? प्रीस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। ठीक है, अगला देखिए, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? जोसेफ लिस्टर को कहते हैं। किसको कहते हैं? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप किस और टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, वो भी यदि आप किसी और इस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाएंगे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और एक ज़रूरी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।